आज राज्यसभा में कई सांसदों ने शपथ ली है और उन्हीं सांसदों में पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी से सांसद नागेंद्र राय हैं। आप पहली बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं और आज इन्होंने शपथ ली है। नागेंद्र जी, आपने राज्यसभा में निर्वाचित हुए हैं, क्या चुनौतियां हैं, क्या आप आगे करना चाहेंगे? चुनौती तो बहुत सारा है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे जो इलाका है इसको एक्सक्लूसिव डेवलप होना चाहिए। उनका पीपल्स का जो डिमांड है वो इमीडिएट फुलफिल होना चाहिए। हाँ, तो ऑल ओवर इंडिया में अभी तो जो चांस आएगा, जो काम दिया जाएगा, वो मैं असर करूँगा। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे उत्तर पूर्वांचल का नॉर्थ ईस्ट सेट में जो एक्सक्लूसिव डेवलप करने का जो मतलब एम है, उसको कार्य करने के लिए पूरा कार्य करने के लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और मैं यही बात को सोच रहा हूँ। राज्यसभा का इस्तेमाल आप उत्तर बंगाल के विकास के लिए करना चाहते हैं। वहाँ पर काफ़ी बड़ी आबादी जनजातीय लोगों की है और अलग अलग जो मूल निवासी हैं वहाँ पे हैं, जो विकास की दौड़ में काफ़ी अब तक पीछे छूटे हुए हैं। तो किस तरह की आपकी चुनौतियाँ हैं, राज्यसभा के सदन का आप किस तरह से इस्तेमाल करेंगे वहाँ के लोगों की आवाज़ को उठाने में? नहीं, वहाँ का हम लोग का जो नेटिव प्लेस है उनका आवाज़ हम जोरदार से उठाएंगे और सरकार को हमने विनती करेंगे कि जल्द से जल्द इनका जो मूलभूत डिमांड है इसको फुलफिल किया जाए। आप लोग अभी सभापति जी से मिलके भी आए हैं, तो किस तरह से आगे के कार्यकाल में सभापति जी के साथ आप लोगों का सहयोग रहेगा और अपने क्षेत्र के साथ पूरे देश के मुद्दों को आप उठाएंगे सदन में? ना, माननीय सभापति जी हमारे साथ बहुत सारा हमारे बात सुना है, लेकिन फेस टू फेस हुआ नहीं पॉलिटिकल प्रॉब्लम का द्वारा। लेकिन आज तो सॉल्व हो गया, आज सभापति भी खुश है, हम भी खुश हैं, तो मिलजुल के बातें करेंगे। हाँ, सारे से सारे बातें करेंगे, सारे हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हमें क्या चाहिए, हमको अब तक क्या डिफरेंट किया गया है, हम वो बताएंगे। अभी हमारे साथ बातचीत के लिए राज्यसभा में नवनिर्वाचित नागेंद्र राय जी थे और इनसे हमने जाना कि इस कार्यकाल में ये क्या कुछ अपने क्षेत्र के लिए राज्यसभा में करना चाहेंगे। कैमरामैन अजेंद्र कुमार के साथ सूरज मोहन झा की रिपोर्ट।